इनके साथ संघर्ष करते रहते हैं और मैं चाहूंगा कि साथियों आदरणीय हरिशन जी की बातों को सुनकर के हम लोगों को एक आंदोलन ले जाने हैं, जिससे ये आंदोलन तब तक चलता रहे जब तक ये मांग जब तक आपकी पूरी न हो जाए। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जब तक आप लोग इस मांग को पूरा न कर लेंगे तब तक इस आंदोलन को समापन को मत ले लीजिएगा, मैं यही आपसे कहता हूँ। इसलिए साथियों नौजवानों, मैं सुबह भी आपके बीच में था, रात भी था, निश्चित रूप से दिल में दर्द है, दिल में दर्द है कि इतिहास के अंदर भारत के इस जमीन पर ऐसे ऐसे अमानवीय व्यवहार हुए हैं हमारे समाज के भीतर, जिनको विकास के दरवाजे रोके गए हैं, लेकिन आज नौजवान हमारे आज मुखर हो रहे हैं इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जो भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो निश्चित रूप से लोकतंत्र विरोधी हो गई है और उस लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, निश्चित रूप से आप एक आवाज बन रहे हैं। और इस समय में आपने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को हिला के रख दिया है। 72 दिन आप इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये बात सोच लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर सचिवालय में खलबली मच गई है और उनको भी आगे पीछे कुछ सूझ नहीं आ रहा, इसलिए कि उन्होंने तो चोरी कर लिया है और चोरी को आपने पकड़ भी लिया है। इसलिए जब साक्षात कोई चोर पकड़ा जाता है तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए चोर तो आपने जोगी जी को पकड़ लिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और मैं फिर पुनः अपने माननीय हरिश्चंद्र जी को मैं अपने तरफ से नमन करता हूं कि आप आए। और मैं चाहूंगा कि अपने जो संचालन वक्ता है आप साहब को जो अपने कार्यक्रम है क्या आंदोलन किए हैं 2 मिनट में बताने के बाद क्या आपका प्रोग्राम है, और मैं चाहूंगा कि साहब को आप उनकी बातों से मुखातिब होने के लिए आप उनको बुला रहे हैं। धन्यवाद। पिछले दिनों में हम लोगों क्या कार्यक्रम था, बहुत साल्ट में हम आपको अवगत कराएंगे। पिछले अगस्त से ही हम लोग लगातार, जब से ये लिस्ट आई थी तभी हम लोगों को लगा था कि इसमें गड़बड़ियां हैं, क्योंकि 50% सीटें ओपन कैटेगरी होती है, उसके बाद सारी आरक्षित वर्ग की सीटें होती हैं, लेकिन सभी लोग शेयर करें, सामान्य जाति के लोग 50% सीटों के पास भी थे। 52,614 क्रमांक पर 34,589 सीटें ओपन कैटेगरी की बनते हैं, उस क्रमांक के बाद कोई भी जनरल जाति का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए था, लेकिन 52,614 क्रमांक पर धीरज सिंह नाम का व्यक्ति जो कि शाहजहांपुर में चयनित है, तो उनको ना ही कोई विशेष आरक्षण मिला ना कुछ मिला, वो सामान्य कैटेगरी व्यक्ति वहां पर चयनित थे। तब हम लोगों को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हैं, चूंकि उस समय लिंक जो थी वो खुली हुई थी जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेटा पर डाल के आप उसका पूरा बायोडाटा देख सकते थे, तो लोगों को लगा। उसके बाद हम लोगों ने जनसेवा केंद्र पर जाकर आपराधी टीम ने पूरा प्रयास किया, 69,000 लोगों का डाटा निकाला कि किस व्यक्ति को विशेष आरक्षण मिला है, कौन व्यक्ति सामान्य कैटेगरी का है, कहां तक है, सारा डाटा हम लोगों ने निकाल लिया, किसका कितना गुणांक बनता है, क्या करता है। 30-40 जनसेवा केंद्रों पर जाकर हम लोगों ने काम किया और सारा डाटा निकालने के बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, कोर्ट में हर जगह अपनी बात रखी। कोर्ट में चूंकि सरकारी पास पावर है कि वो मामला टालती रहती है, कभी योजी नहीं आते हैं, कभी कुछ नहीं होता, अच्छा, तो सरकार समय लेकर भाग जाती है, और न्याय व्यवस्था भी कुछ ऐसी हो गई है कि 7-8 बार सरकार को अंतिम समय दिया गया और ये कहते कहते भी धीरे धीरे 6-7 महीने इसी बात में निकल गए। और उधर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को आर्डर जारी कर दिया, उसमें बता दिया कि कितनी सीटों का घोटाला हुआ है, सारी चीजें बिंदुदार एक एक चीज 75 जिला के पीएसओ को बुलाकर सुनवाई की उन्होंने। सभी लोग शेयर करें, अधिक से अधिक जुड़े, जो हमारे पूर्व आईएएस हरिश्चंद्र जी आप सभी के समक्ष जुड़ने वाले हैं, उनके विचार सुने उन्हें और उन्होंने आरक्षण के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि उनको सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, सरकार तानाशाही है, इसलिए वो आपका समर्थन देने आ गए और अब लोग जुड़ रहे हैं, समाज जाग रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों का संघर्ष है, सभी साथियों का संघर्ष है, हमारे भाइयों का संघर्ष है, हमारी बहनों का संघर्ष है। जब आप कुछ करेंगे तो चीजें हलचल मचेंगी, अगर हलचल होगा, अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हरिश्चंद्र वाईएस लोग सुनिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लोगों तक जोड़िए, लोगों को जोड़िए, इनकी आवाज सुनिए, इनके विचार सुनिए, क्योंकि सारे बिंदु दिए हैं आप उसमें देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आदेश है।
और उसके बाद जब ये आर्डर आया उसने समय दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो अभ्यर्थी पक्ष है और जो विभाग का पक्ष है जो हम लोगों ने अंतिम रिपोर्ट जारी की है अगर उसमें आपको संशोधन कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि घोटाला जो है 27% में 3.86% की जगह हमने मान लो 6% दिया है तो आप उसमें आंकड़ों में संशोधन करा सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक। अगर नहीं लगता है तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आए अपनी बात रख ले तो उसके बाद ये आर्डर बन जाएगा ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने गए कई बार अधिकारियों से मिले उन्होंने कहा मेरे पास आर्डर नहीं आया तो हम लोगों ने आंदोलन किया मंत्री ने बुलाया तब मंत्री ने कहा कि हाँ अभी मेरे पास आर्डर नहीं आया एक दो दिन में मंगवा लेंगे। जब उन्होंने आर्डर जबकि आर्डर उनको मिल चुका था भाई मेल हमको भी भेजा गया था उनको भी भेजा गया था 29 अप्रैल को। फिर उसके बाद हम लोग अंदर रूप से भरने बैठे हैं कि राष्ट्रीय पिछावर आयोग की जो रिपोर्ट आई है इसको लागू करें। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही बनाया गया है उन्हीं का आयोग है उन्हीं की चीजें हैं सब उन्हीं के अधिकारी मंत्री सब बन रहते हैं और उन्हीं ने उसको मान्यता दी है। अब वो हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है तमाम आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं उसी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लगातार अंदर धंधे बैठे हुए आज हमारा बातरमा बंद हो गया है। ये संक्षेप में बातें रही हमारी। अब हम अपने मत हरीश चंद जी से निवेदन करेंगे वो आए और अपनी बातों को रखें और 6 सितंबर आपको जानकारी दे दो 6 सितंबर तक हमने सरकार को समय दिया है 5 सितंबर तक कि आप जो है अगर हमें न्याय देना चाहते हैं तो हमारी उसकी व्यवस्था कर दें क्योंकि हम लोग लगातार इतने दिनों धरने बैठे हुए हैं सरकार को सुन नहीं रही है। हम लोगों ने कई बार बीजेपी कार्यालय पे जाके भी अपनी बात रखना चाहिए वहां भी लाठियां डंडे मिले मंत्री के पास रखना चाहिए उसने भी बातों को नहीं सुना। समय दिया था पहली बार मिले तो कहा 32 प्रकार की कटाप होती है 3 दिन में जारी कर देंगे अभी तक जारी नहीं की। फिर उसके बाद दोबारा जब मिले तो उनका 4 दिन का समय दो हम राष्ट्रीय पिछावर आयोग की रिपोर्ट देख के और उसमें जो भी कुछ होगा वो हम कर देंगे वो भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 7 दिन का समय दे रहे हैं हम 7 दिन में आपके मामला निस्तारण हो जाएगा आज 1 महीना होने जा रहा है। फिर तो जितना भी समय था जितना भी हम लोगों को धैर्य था वो तो पूरा हो चुका है। अब हम लोग 6 तारीख से इस लड़ाई को फिर आगे बढ़ाएंगे गांव गांव जाएंगे जो भी संघर्ष हम करना होगा या तो अब ये नौकरी हमें मिलेगी या ये सरकार नहीं रहेगी। ये मनवादी सरकार जो कि संविधान के नहीं ये अपने खन घंटे से चलती है उसको नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। अब जो भी संघर्ष होगा हर पार का संघर्ष होगा बस 5 तारीख तक इंतजार है हम लोगों का। आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें कि हरीश चंद जी लाइव जुड़ चुके हैं साथ के साथ अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। जब आप संघर्ष करते हैं तो एक बात बता दो प्रश्न नीति का नहीं होता। हमारे देश में ये जब बात होती है प्रश्न नीति का नहीं है बल्कि आदमी की या सरकार की नीयत का। सरकार की अगर नीयत अच्छी है तो परिणाम अच्छे होंगे। इसी संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा बाबा साहब जब 29 नवंबर 1947 को संविधान का मसौदा दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लोगों ने बड़ी टीका टिप्पणी जैसे हमारे समाज में होता है लोग बड़ी टीका टिप्पणी करते कहा किसी ने कहा कि बड़ा मोटा लिख दिया किसी ने कहा बहुत लगा बहुत समय लगा दिया और इसको कैसे पालन होगा। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि संविधान कितना अच्छा हो अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो खराब संविधान कितना खराब हो अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा। नीति नहीं है नीति चिल्लाती नहीं है और कागज कोई आदेश है तो चिल्लाता नहीं वो आदमी का ईमान कैसा है ईमान धर्म कैसा है इस पर निर्भर करता है। और मैं दावे के साथ मैंने देखा है 75 आजादी के 75 बरस हो गए अभी भी ये सरकारें समझती हैं कि आरक्षण आपका अधिकार नहीं है आपका हक नहीं बल्कि अब कृपा कर रही है कृपा करके आपको एहसान कर रही है आपको आरक्षण का लाभ देने के लिए। तो जिसकी तबीयत होती है करता है। एक मैं आप लोगों को घटना की नीयत कैसे आदमी की सरकारें मुझको गलती से किसी अच्छे अच्छे विभाग में पोस्ट करती थी हमारी 35 वर्ष की सर्विस में हमारे 50 बार तबादले कोई सरकार को फूटी आंखों से मैं नहीं छुआ पाई
एक बार गलती से मुझको सरकार में एलडीपी का मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारा जनरल मैनेजर आया कहा कि साहब वो चयन आयोग होता है सहकारी चयन आयोग होता है, तो उसकी सूची आई है तो क्या करूं। मैंने कहा कि देखो आरक्षण एससी एससी का आरक्षण पूरा है, ओबीसी का आरक्षण पूरा है। मैंने उसने कहा कि नहीं ना आरक्षण पूरा नहीं, तो मैंने पहले कहा कि इनको एससी एससी ओबीसी की भर्ती करो और जगह गई खत्म, तो जनरल कास्ट वालों का नहीं हो पाया। तो सब उन्हें शोर मचाना, पूरा सचिवालय से लेके मंत्री तक शोर मचाना शुरू किया कि ये कैसा अफसर आया और उसने पूरी व्यवस्था को उल्टा पुल्टा कर दिया, नीचे वालों को तो उसने नौकरी लगा दी, ऊपर वाले देखते रहे। मैंने कहा नीचे ऊपर का क्या मतलब होता है, तो पता लगा कि एससी एससी का अब तो बेहतर स्थिति ये एससी एससी का ओबीसी के लोग हो सकता उस समय कम मार्क्स मिलते हो, तो कहा कि उनको तो मेरी वालों को रख दिया। तो मैंने कहा कि ये मेरी गलती थोड़े है, आजादी के 50 या 55 बरस को तो ये तो हमारे पहले वाले तो उनको देखना चाहिए कि शेड्यूल पास शेड्यूल टाइप और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण है कि आरक्षण है या नहीं। आज ये प्रश्न ये है, आज आप जानते हैं इससे भी बड़ा संकट देश के सामने, मैं एतावे के साथ कह सकता हूँ कि 50-75 बरस की आजादी के बाद आज तो देश और मुल्क के सामने संकट है, ऐसा कभी नहीं आता, इमरजेंसी में भी नहीं आता। मैं इमरजेंसी में एसडीओ था, इमरजेंसी में गरीब लोगों को घूम घूम के हम लोग जमीन बांटते थे, नौकरियों में भर्ती करते थे, लेकिन ये इस समय इमरजेंसी से भी बदतर हालत है। हमारे संविधान की सरकार ने धज्जी उड़ा रखी, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो एक एक ड्रैकोनियन ऐसे खतरनाक कानून बनाए गए हैं कि बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरे देश के सामने संविधान का संकट है, देश में लोकतंत्र बचाने का संकट है, आरक्षण का संकट है। सबसे पहले मैं बताऊं कि आरक्षण की जो बात होती है बहुत है जनरल कास्ट की, कहते हैं कि अरे साहब आरक्षण मुझे समझते हैं कि भीख दे रहे हैं। आप लोगों ने पता नहीं, आप लोगों का ऐसे लोगों से मुकाबला किया, मुकाबला होता होगा, होता है ना। मैंने कहा कि भाई तुम तो 2000-3000 वर्षों से जमीन पर कब्जा कर रखा है, नौकरी पर कब्जा कर रखा है, जमीन जायदाद पर खर्चा किया, और इतने में तुम्हारी नानी मरने लगी जब गरीब लोगों को, अरे ये देश तो सभी का है, सभी का बराबर का हक होना चाहिए, ये काबिलियत का नहीं है। काबिलियत की बात होती तो तुम तो इतने वर्षों से, आज दुनिया में हम सबसे गरीब हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, तुम्हारी काबिलियत कहाँ थी, दुनिया में हर क्षेत्र में हम पीछे रहे। तो ये प्रश्न ये किस तरह से, आपने देखा होगा ये संविधान में कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं, संविधान में इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण हो, जिसमें सरकार ने पहला संशोधन किया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए किया। और आप जानते हैं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी और सरकारें इसको इधर उधर फेंकती रहे क्योंकि इनकी मानसिकता खराब थी, ये मनवादी बात सोचता है, जाति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, इसलिए इन्होंने काला कालेलकर रिपोर्ट को लागू नहीं किया। बड़ी जद्दोजहद के बाद जब सरकारों पर संकट आया तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, उसमें भी आपने देखा कि नौकरियों में आरक्षण था, शिक्षा में आरक्षण नहीं किया। अरे उसमें तो शिक्षा में भी कहा था आरक्षण करने, आदमी के या समाज के बहुमुखी विकास के लिए, जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी उस लड़के को कहां से मिली। यानी किस तरह से संविधान को, जब से ये बीजेपी की सरकार आ रही है, एसएस की सरकार आ रही है, किस तरह से तोड़ मतोड़ करके कर रहे हैं। यानी संविधान में इस देश में जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर न्याय मिलता, बाबा साहब ने बॉम्बे असेंबली में तर्क देते हुए कहा कि इस देश में गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं होता, न्याय अन्याय नहीं होता, बल्कि जाति देख करके होता। न्याय 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 कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति
उस जाति के देखता ब्राह्मण तो छोड़ देगा, ऊंची जात को तो छोड़ देता था, और बेचारा गरीब जात का, छोटी जात का, दलित है, पिछड़े है, उनको सजा। हमको इसलिए आरक्षण नीति चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को हक मिल सके, न्याय मिल सके। किसके लिए होगा? यानी अभी सरकार ने, आपने देखा हो, और इस बात को मद्रास हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, संविधान में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कोई इसका संदर्भ नहीं है, कहीं जिक्र नहीं, बल्कि सोशली सामाजिक शैक्षणिक रूप से पीछे वर्गों की आरक्षण। ये सरकार ने अपने अपने जाति के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, इस सरकार ने उसमें इकोनॉमिकली 10 करोड़ तो कहीं जाए लेखपाल जी को, आप लोग भी देखते होंगे लेखपाल जी के यहाँ जाइए तो अगर 50 लाख उसकी आमदनी होगी तो 5 लाख बना देंगे, 5 लाख वाले की 50 तो उसी में गरीब आदमी, दलित है, पीछे है, अल्पसंख्यक के लोग हैं, महिलाएं उनके नहीं। इन्होंने क्या किया संविधान में, किस तरह से इस देश के साथ संविधान के साथ खेलकर संविधान में संशोधन करके एक मांग की, और हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम न्यायालय को धन्यवाद।